कानपुर के शास्त्री नगर से सेंट्रल पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने जीवन के लक्ष्य का वर्णन किया। जगतगुरु ने कहा कि जिस तरीके से नदी का जल सागर में मिलकर अचल हो जाता है, उसी तरीके से श्री हरि को जब कोई जीव पार जाता है तो वो अचल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जीव जब स्थिर होता है तभी वह भगवान के को पास पाता है। ऐसे में जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भगवान होने चाहिए। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि प्रभु की शरणागति पर सभी का अधिकार होता है, लेकिन जब तक मनुष्य पर विपत्ति आती है तभी वह भगवान की शरण में जाता है। राम नाम की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक राम जी को गाया जाता है, लेकिन अब विवाह में लाउड संगीत बजाया जाता है। इस दौरान उन्होंने समुद्र मंथन से जुड़ी कथा का भी उल्लेख किया। कितना सुनने में कहने पाप